इसलिए जो यशोदानंदन जो थे यशोदा दामोदर राधा जी के साथ में राधा दामोदर, इसलिए हमारे गोस्वामी ने राधा दामोदर वृंदावन के मंदिर में राधा दामोदर जी का पूजा अपने हाथ से दामोदर जी का भी चित्र उन्होंने उनका नाम रखा था
सदैव सिंह का नाम रखा था, पाषंड गजैत सिंह स्वामी भक्ति सारंग गोस्वामी पाषंड भी सफरा पाषंड जो दो दुआकों दान और पाषण और गुरु महाराज एज ए लॉर्ड इस तरह से नाम दिया था। बड़े शासित थे और गुरु की भी इनके संबंध में हम लोग यहाँ जो वैष्णव लोग आए हुए हैं उनसे हम लोग कुछ अभी सुनेंगे भक्ति विज्ञान ठाकुर महाराज जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज के संबंध में गुरु सेवा के संबंध में कुछ वर्णन कर साथ में हम लोग यही विचार करेंगे क्या करें। वर्तमान जैसी परिस्थिति है उसमें गुरु सेवा भगवान की सेवा किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, इसके संबंध में देश में Thank you.
I'm not going to be able to do that.
Thank you.
Thank you.
नाहं तदि दुःख भवति সেটি ছেলেকে একটা সঙ্গে নিয়ে একটু না দলের দল ছেলে নিয়ে দলকে দল বচ্চা করে আর যদি গুটিয়া মানা হয় যা কোনো গুটি হ্যাঁ খুশিকে লড়কে কি শিখলা দেতে হ্যাঁ দেখা তুমি ভাইয়া আর বাচ্চা যশোদা
किसी प्रकार का नया किसी के घर में और कोई दूसरा नया और अपने हाथों से घर दर्शन करेंगे और अपने खाते में अपने आराध्य मधुर मधुर मक्खन खिलाएंगे ऐसा कुछ करके सदैव सत्कार के दृष्टि आहुष्ठा प्रस्पदा दिवाली के दृष्टि कोई दूसरी चौकी है पहले से चिंता लगी हुई थी इसकी चोरी की आदत किसी प्रकार से खुला नहीं है अधिक खिला a
रिश्तेदार की जीत रख दिया है, अब तक से ही उनको खा दिया है, खा दिया तुम ऐसे टिके हुए लड़के हो, लावारिस लड़के हो, और
उत्तर के नीचे उतरे बड़े मस्तों से पढ़ते देखा जिससे बढ़िया बस करते भावना से सर नजर धड़क है मोर पंखी त्याग भी सोते समय में ये सब गर्द हो गया है और यहां के जुड़ते हैं के जो अवधावली क्योंकि अस्त व्यस्त हो गई है उनका सारा श्रृंगार भी अस्त व्यस्त हो चुका है और ऐसे ही होते हुए आंख से दोनों को ऐसे करते हुए जो सर्वनाश हो गया आप में आज कुछ समाज करना हो और जो से मैया के कान में पड़े कि मैया करना जरूरी है उनको सुनने की फुर्सत नहीं है और धीरे धीरे निकट आने लगे और सर्वोत्तम का करने लगे कभी मैया नहीं सुन गया तब एक बार निकट में आकर के एक हाथ से दाहिने हाथ से जो काम गया था अंतर समेत तेज पकड़ लिया और दूसरे से बाएं हाथ से मंत्र के दंड को पकड़ लिया और पकड़ करके कर भैया देखा जिसे ये फोन आ गया देखा जिसे ये उपाध है उपाध को उठा करके अपनी गोली में रख दिया रखने के बाद में कुछ मुंह करते रहे हाँ ऐसे उसके सिर के ऊपर में सर के ऊपर अपने आप दुख छड़ने लगे वास्तविक भाव मर गया आंखों से अश्रु की धारा गिरने लगी कभी गुमान कर कभी कम कर अश्रु इत्यादि सात्विक भाव गरीचा का भाव और ये सब और एक कम वास्तव अर्ष कभी उठी कभी स्त्री शुभ थी कभी कुछ कर लाल थोड़ी देर में आश्रय भूख रखा था गर्म हो रहा था अब उसमें दफी लगाएंगे किसी को दही जाने इतने में अभी भूख पूरी नहीं थी और देखा देखिए दूध उठन रहा है भैया सोचा ये दूध गिर जाएगा तो उसमें खाएंगे क्या फिर दही कैसे बनेगी मक्खन कैसे बनेगा इसलिए उसको उतार देना चाहिए किंतु कृष्ण एकदम कपड़ रखता है उनको उधर दुख समझता है अनंत कृष्ण करना है हमारे सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं दुख गिरता है लेकिन कृष्ण की स्वामी में नहीं लगा हमने कृष्ण सेवा के नाना सारे जीवन के दिन यदि यदि हम कृष्ण की सेवा में नहीं कर सके हमारे जीवन के दिन का है भक्त लोग ऐसा ही सोचते यदि हमारा जीवन कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो ये जीने से कुछ लाभ नहीं है जब श्रीमती राधिका जी ने
कोई सेवा का संतोष मिलने की कोई संभावना है? नहीं, वहां अष्ट शक्ति तो कर लेने का नहीं मिल सकता। ये तो श्रीमती जी चलाई से उनको सेवा में नियुक्त कर देती है, घर घर चली जाती है, ज्ञान कुछ कर देती है। उनको मैं मरने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, हमारा कुछ पीछे किएगा, कल तुम्हें तुम्हारी से बात गुरु भी ऐसा ही करते हैं, जो कि शिक्षकों के द्वारा कल की सेवा इत्यादि करने लगते हैं, उनको सेवा का संयोग देते हैं। इसलिए तुमको मरने की जरूरत नहीं है, वो सकता है आप में खुद करके मर जाएंगे, मर नहीं जाए, और ये कहते हैं तुमको मरना नहीं देंगे, छोड़ो, अभी मैं तुम्हारी चीजों को ये कृष्ण को किया, ये सोचकर के कृष्ण को पकड़ लिया और उसको नीचे बैठा दिया, दस हजार आत्मवाद के बिना कृष्ण को आपको इस कर्म से नहीं छुड़ा सकी, बजाय और छुड़ाने लगे खूब जोरों से, किंतु कृष्ण ने ऐसा पकड़ दिया, मुख से उसका स्पर्श पकड़ दिया, पैरों से चिपका दिया, हाथ से पकड़ लिए, जहां से पाए वहां पकड़ लिया, छोड़े नहीं, चिल्लाते चिल्लाते हार गए और कृष्ण देखते थे कष्ट वर्ष कुछ नहीं हुए। आज कृष्ण दिखने में साधारण सी बड़ी